हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजल्ट। दोस्तों, ये लास्ट 2 दिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहे पूरे बॉलीवुड के लिए और वहीं पे पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि भारत ने और पूरे बॉलीवुड ने 2 महान कलाकार खो दिए। दोस्तों, कल हमने जाना था कि किस टाइप से इरफान खान हमें अलविदा कहकर चले गए, और आज सुबह 8:45 पर ऋषि कपूर भी सारे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। दोस्तों, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि क्या हुआ था आखिरकार, और आखिरकार कैसे 2 साल पहले से ही उनके ऊपर खतरा था और उन्हें पता था कि यह कभी भी हो सकता है। अगर आपको उसके बारे में जानना है पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। खैर दोस्तों, बता दूं कि जहां पर इन 2 महान कलाकारों की भरपाई कभी भी नहीं कर पाएगा बॉलीवुड फिर से, क्योंकि वह ये 2 वो लेजेंड थे जिन्होंने बॉलीवुड को एक नई दिशा दी। जहां पर दोस्तों एक्टिंग के सबसे बड़े कलाकार यानी सबसे शानदार एक्टिंग जिनकी मानी जाती थी यानी इरफान खान, उनके निधन की खबर सुनकर पूरा बॉलीवुड जगत काफ़ी ज़्यादा सन्नाटे में चले गया था, सबको काफ़ी ज़्यादा झकझोर दिया था इस खबर ने। और वहीं पे आज ऋषि कपूर ये खबर आई और फिर से पूरा बॉलीवुड एक सदमे में चला जा चुका है, जिसकी खबर सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने दी थी। खैर दोस्तों, इन 2 कलाकारों की भरपाई कभी बॉलीवुड में नहीं हो पाएगी, ये तो कन्फर्म है। लेकिन दोस्तों, इरफान खान की जीवन को आप एक बार फिर से जीना चाहते हैं, इरफान खान की बेहतरीन अदाकारी को अगर आप मिस कर रहे हैं, तो आपके लिए एक तोहफा है जो कि 10 दिन पहले ही आपको मिला है, लेकिन शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। दोस्तों बता दूं कि फारूक शेख का सीरियल जिसमें इरफान खान ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टीवी सीरियल श्रीकांत की। दोस्तों श्रीकांत सीरियल 10 एपिसोड इसके हो चुके हैं, डीडी नेशनल पर फिर से लौट चुका है। आप इसे 3:30 दोपहर को देख सकते हैं, जिसमें इरफान खान को एक नई दिशा मिली, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इरफान खान में जो इसमें अदाकारी की थी वो अदाकारी ही उनको आगे बॉलीवुड की जगत में लेके गई और उनको इतना बड़ा हस्ती बनाया और इतनी शानदार एक्टिंग हम सभी को देखने को मिली। दोस्तों ये जो श्रीकांत सीरियल है, श्रीकांत नाम के व्यक्ति के ऊपर आधारित है, जिसकी पूरी लाइफ स्टोरी दिखाई जाती है। एक तरह से आप उसको एक बायोग्राफी कह सकते हैं, जो कि एक सीरियल में हमें टर्न और ट्विस्ट के साथ दिखाई गई थी। दोस्तों 1983 में आया ये सीरियल काफ़ी ज़्यादा शानदार था, जिसमें इरफान खान की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा हुई, और फारूक शेख के बारे में हम सभी जानते हैं कि उनकी कला और उनकी अदाकारी क्या है, वह सभी को एक्टिंग से सभी को अपना मन मोह लेते हैं। लेकिन दोस्तों इरफान खान को एक बार फिर से उनके स्टार्टिंग जीवन को जीने का एक अवसर मिला इस श्रीकांत सीरियल से। शायद इरफान खान हमारे बीच में मौजूद थे तब हमने इस सीरियल पर शायद कम ही ध्यान दिया होगा, क्योंकि हमारा सारा ध्यान केंद्रित था हमारे वह सीरियल जो कि अभी फिलहाल नहीं चल रहे हैं, और वह सीरियल जो कि महाभारत और रामायण है, जिनको हम देखना पसंद कर रहे हैं। अगर आपने श्रीकांत सीरियल देखा है तो दोस्तों बता दूं कि इसमें आपको इरफान खान भी देखने को मिलेंगे, और वह भी एक महत्वपूर्ण किरदार के अंदर, जहां पर दोस्तों एक अलग अवतार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉलीवुड में जब उन्होंने कदम रखा तो नए नए लुक्स के साथ थे वे, लेकिन स्टार्टिंग में उनका लुक कैसा था, उनकी एक्टिंग कैसी थी, ये आपको इस श्रीकांत सीरियल में देखने को मिलेगा। दोस्तों आई थिंक आप इरफान खान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ, पूरा बॉलीवुड जगत, पूरा हिंदुस्तान इरफान खान को मिस कर रहा है। हॉलीवुड में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, वहाँ पर भी उनको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है। दोस्तों आप ये सीरियल देखने वाले हैं या फिर नहीं? दोस्तों श्रीकांत सीरियल 3:30 दोपहर को आप डीडी नेशनल पर देख सकते हैं। कमेंट बताइए आप देखने वाले हैं या फिर नहीं, और आप इरफान खान को कितना मिस कर रहे हैं ये भी बताइए, और इंस्टाग्राम पर भी चैनल के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि वीडियो सुनने से पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो आप जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।